बोलिए लाडली लाल की। अरे भगवान तो है ही है, उनके साथ भी है, तो आप उसे ही है। और हाँ, मैं तुम्हारी भी पैदा होगा, लेकिन वो आ गई जब, लेकिन अगर किसी ने से आपने गड़बड़ की, जब ये बात को सुना तो लोगों ने कहा था ठीक है आप आगे जाइए ना, और कोई दिया नहीं। श्री कृष्ण ने सुना, एक दूत ने आकर बताया कि सरकार एक ऐसा ऐसा फकीर आया है, तो चिल्ला रहा और कहता है हमारा नाम दुर्वासा है, धन्यवाद चला हुआ हम कुछ करेंगे। एक इस बंदे को तैयार है, वो जगत क्रिकेट में आज शिष्य बनने जा रहे हैं बाप है, और कौन है पक्का है ले आया था इसके ठहराने के, और 25-50 लड़कियां सेवा में कर दिया जो बात है, बड़ी एक्सपर्ट रहती है उनकी सेवा में स्पेशल क्लास में। तो दुर्वासा ने कहा कि मैं इधर तो ठीक खाऊंगा, बहाना दे दे करके महाराज खाते हो आप लोगों के साथ बोलो, और वैसे भी हो जाने पर संसार में लोग कह देते हैं, लेकिन पहली बार में ऐसी बात करें श्री कृष्ण हाँ तो मैं खीर खाऊंगा। हाँ महाराज जैसी आज्ञा, रुक्मिणी बिरला महालक्ष्मी के अवतार वहां क्या कौन सा प्रश्न है कि हाँ आज चीनी नहीं है, आज दूध नहीं है, आज जरा 10 मिनट रुक जाओ, ये तो सवाल नहीं है, खीर है खीर आ गई, सब सिद्धियां वहां नौकरानी है रुक्मिणी की, एकाध कस्ता खाया हुआ है। और श्री कृष्ण से कहा कि इस खीर को पोत ले अपने शरीर में, रुक्मिणी देख रही है क्या बाबा है, इनका दिमाग खराब है कि चुपचाप सुने जा रहे हैं, तो सारे शरीर में श्री कृष्ण ने अपने पोत लिया खीर। उसके बाद कहा है रुक्मिणी डरा, रुक्मिणी ने कहा मेरी भी शामत आई है बाबा, तुम डरा अरे भाई ये तो पुरुष है ठीक है, इनको खुद भी बुलावे, वो क्यों बुला रहे हैं बाबा जी, बैठ बैठा है और खीर अपने हाथ से लेके उसके सारे शरीर में पोता। अब बेचारी संकोच कर रही है, स्त्री शरीर है ठीक है, श्री कृष्ण चुप है कि बेचारी क्या बोले। उसके बाद गए अपने जिस महल में ठहरे थे उसमें आग लगा दी, जलने लगा, सब नौकरानियां भागी, अभी वो पागल बाबा आया है उसने आग लगा दी। लेकिन अब कृष्ण से कौन बोले, ठीक है भाई वो कहते हैं गुरु बनाएंगे, तो कौन बोले नौकर जाकर की हिम्मत क्या, कृष्ण जरा मैं घूमने चलूंगा रथ तैयार करो, देखो रथ में घोड़े ले रहेंगे, एक तरफ तुम एक तरफ रुक्मिणी। रुक्मिणी ने कहा और लो जो कसर है बाकी पूरी हो, घोड़ा बनना पड़ेगा आपको, और बैठ गए ठाट से रथ के ऊपर, घोड़ा लेके हाथ में क्या बोलते,